कैपिटल स्मार्ट सिटी एक्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट वन में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है एज अ फोर्थ वीक ऑफ मार्च 2024 इस वीडियो में आपको मैं सेक्टर डी के हवाले से एक्सप्लेन करूंगा सेक्टर डी में फर्स्ट ऑफ ऑल किन साइज के प्लाट्स हैं नंबर टू सेक्टर सी सेक्टर डी में इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है जो मेंबर्स का मेजर कंसर्न है क्योंकि जिन मेंबर्स के प्लॉट है वहाँ पे वैसे प्लॉट के साइज तो वहाँ पे दो तरह के ही हैं यहाँ पे यहाँ पे दस मरला के प्लॉट है पैंतीस बाई पैंसठ ढाई सौ गज के या इसके अलावा तीन सौ गज के जो प्लॉट बनते हैं चालीस बाई ससठ शरिया पांच यानी कि फोर्टी इंटू सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव या फोर्टी इंटू सिक्सटी एट कर लें ये जो प्लॉट्स बनते हैं ये दो रेजिडेंशियल सेक्टर्स के प्लाट हैं जो सेक्टर डी में लोकेटेड हैं इन जनरल अगर सेक्टर डी की बात की जाए तो सेक्टर डी में जो शुरू की है स्ट्रीट नंबर ट्वेल्व स्ट्रीट नंबर इलेवन स्ट्रीट नंबर टेन एंड एट इस एरिया में आपको ब्राउनिंग वाला काम हुआ हुआ नजर आता है ब्राउनिंग से मुराद है यहाँ पर डेवलपमेंट की मैं बात नहीं कर रहा डेवलपमेंट से मुराद है जहाँ स्ट्रीट का लेआउट प्लान बनना स्ट्रीट का स्ट्रक्चर बनना स्ट्रीट पे एसफॉल्ट होना जैसे सेक्टर सी आपको में आपको सर्टन पार्ट में नज़र आता है शुरू की स्ट्रीट में इस तरह यहाँ पे आपको सिर्फ लैंड ब्राउन हुई नजर आती है यानी कि जो डिपेक्ट करती है कि ये वाली लैंड कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास मौजूद है बाकी जो लैंड है उस पर आपको इस तरह के ग्रीन फील्ड नजर आते हैं मैं अभी आपको वीडियो में आगे जाता हूँ तो आपको मैं रिमेनिंग लैंड भी दिखाता हूँ कि सेक्टर डी ऑनवर्ड्स इस पॉइंट ऑनवर्ड सेक्टर डी ओवरसीज एक्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट वन में कोई भी लैंड सोसाइटी के पास मौजूद नहीं है ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये पॉइंट बनता है इसका सेक्टर डी का जिसमें स्पेसिफिकली आपका स्ट्रीट नंबर सेवन का पार्ट आता है जिसकी लास्ट जो पार्ट है सर्टन पार्ट है जो थोड़ा सा ब्राउन है बाकी जो लैंड है वो सारी की सारी सोसाइटी के पास प्रिक्योर्ड नहीं है मोस्ट प्रोब्ली सोसाइटी आने वाले दिनों में मोस्ट प्रॉब्ली कह लें कि अगले तीन महीने के अंदर अंदर अनाउंसमेंट कर देगी कि जिन मेम्बर्स ने कैपिटल स्मार्ट सिटी जनरल ब्लॉक में पहले और उसके बाद बाद में उसको एक्जैक्टिव ब्लॉक में कन्वर्ट किया वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है उनको मोटरवे के ऑपोजिट साइड डी एच गंधारा सिटी के साथ ओवरसीज वेस्ट और ओवरसीज़ प्राइम टू के साथ वहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा और उनके प्लॉट की पहले वहाँ पे डेवलपमेंट की जाएगी पोजेशन ऑफर किया जाएगा फिर उनको वहाँ मूव किया जाएगा जो कि बहुत जल्दी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर लैंड की ब्राउनिंग बहुत तेजी से चल रही है और उसके अलावा लैंड की कटिंग फिलिंग वाला जो काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है सोसाइटी की तरफ से बस मैप की एलोकेशन होनी है उसके साथ वहाँ पर प्लाट्स की एलोकेशन होनी है तो उम्मीद करते हैं कि वो वाला काम भी जल्दी हो जाएगा इसके अलावा सेक्टर डी में अगर हम जनरल बात करें कि जो लिटिगेशन का मसला रिजॉल्व होने के क्या ज है तो मेरा नहीं ख्याल सेक्टर डी मिलीगेशन का मसला रिजॉल्व हो सकता है अगर होना होता तो 2017 से 2024 तक इट्स लॉट ऑफ टाइम टेक्निकली तो हो जाता अब तक लेकिन अभी नियर फ्यूचर में रिजॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस पॉइंट से आगे जितना एरिया है अब जाहिर सी बात है कि यहाँ सोसाइटी डिवेलप होगी और लैंड के मसले हैं तो उन सोसाइटी ने अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए उनबर्स को लाजमी इससे बेटर लोकेशन पर अकोमोडेट करना है जैसे कि पास्ट में एग्जाम्पल है कि ओवरसीज ईस्ट सेक्टर एल में जिन मेंबर्स के प्लॉट थे अगर किसी का आठ मरला कमर्शल प्लाट था तो वहाँ से उठा उसको चार फुट रोड पर कमर्शियल में अकोमोडेट किया गया था अगर किसी मेंबर का रेजिडेंशियल प्लॉट था तो ओवरसीज सेंट्रल में किसी अच्छी जगह पर अकोडेट किया गया था तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन मेंबर्स के लिए जिनको प्लॉट यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे कि उनको प्लॉट की यानी कि प्लॉट किसी और जगह पर मूव कर सकते हैं तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा बाकी रही बात कि अभी आज के डेट में स्टेटस देखें चारों साइड्स का कि इसकी चार साइड पर अमेनिटीज़ कौन सी बनती हैं नॉर्थ साइड पे देखें तो इसके सेक्टर सी और सेक्टर डी को डिवाइड करने वाला लीनियर पार्क है जिस पार्क का नाम है एग्जैक्टिव बुलेवर्ड जिस पे फोर्टी सेवन फीट की रोड है सेंटर में टू ट्वेंटी फीट का आपका लीनियर पार्क है तो ये आपका बन गया नॉर्थ साइड ईस्ट साइड पे देखेंगे यानी नॉर्थ साइड मोस्टली आपकी खाली होगी और इसके अलावा ईस्ट साइड पे आपके कुछ ग्रीन वाटर बॉडी है और उसके आगे पीछे के सिल रिवर की प्रम्सिस शुरू हो जाती हैं तो ईस्ट साइड पे आपके सिल रिवर आ जाता है वेस्ट साइड पे बात करें तो रिंग रोड बनता है रिंग रोड आपके सामने है वहाँ पे सेक्टर सी तक मुकम्मल हुआ है सेक्टर डी भी स्टार्ट भी नहीं हुआ तो ये वाला पार्ट लेटिकेटेड था लेटिकेटेड है और आगे शायद लेटिकेटेड ही रहे अभी इस पॉइंट के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता अगर हम बात करें साउथ साइड पर साउथ साइड पर इसकी बॉटम वाली साइड पर आ जाता है सॉरी वेस्ट वेस्ट साइड रिंग रोड है साउथ साइड पर अगर बात करें तो वहाँ पर आपके पहले आठ मरला कमर्शियल है पहले एक रोड है जिस रोड का नाम है एक बलेवर्ड जिसकी सो फुट जैसे डी को डिवाइड करता है सेक्टर सी और सेक्टर बी को डिवाइड करता है जिना बोलेवर्ड सेक्टर डी और सेक्टर आगे जी को डिवाइड करता है वो है इकबाल बाल बॉलीवुड और इस बाल बॉलीवुड की बैक साइड पर सेक्टर जी की प्रीमिसिस स्टार्ट हो जाती हैं ये फोटेज जो आप इस वक्त देख रहे हैं सेक्टर डी की प्रीमिसिस में है बाकी आगे जाके मैं डिफरेंट इसी तरह इस सीरीज़ में डेवलप हो या नॉन डिवेल्प हो लिटिकेटेड हो या नॉन लिटिकेटेड हो लेकिन मैं उसकी पूरी की सीरीज बना दूंगा ताकि जिन भी मेबर्स ने कपिटल स्मार्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉपर फॉलोअप मिल सके कि आज की डेट में उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर स्टैंड करती है क्योंकि कैपिटल स्मार्ट के जो मेम्बर्स हैं डेफिनेटली कैपिटल स्मार्ट का वो असाशाह हैं कि दीज मेम्बर ट्रस्टेड कैपिटल स्मार्ट सिटी एट द टाइम व्हेन नोबडी नोज कैपिटल न्यू कैपिटल स्मार्ट सिटी तो ये डिजर्व करते हैं कि इनको बेटर से बेटर और अच्छी से अच्छी लोकेशन पे अकोमोडेट किया जाए बाकी रही बात कि अभी आने वाले दिनों में इसकी कितना जल्दी हो सकता है तो टू वी ओनस विद यू ये मेरे पास इंफॉमेशन नहीं है लेकिन जैसे ही इंफॉमेसन मेरे पास आती है तो अल पास टू यू गाइज क्योंकि अभी आज की डेट में ये एरिया जो है लेडिकेटेड है और इसमें ऐसा कोई काम या एक्टिविटी नहीं हो रही तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक्टिविटी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी और इससे मेम्बर्स को काफ़ी हद तक फायदा होगा यही जो रिंग रोड आपको नजर आ रही है सामने और आगे जाके सेक्टर सी फिर आगे जाके सेक्टर बी और आगे जाके, जाके, जाके गोल्फर से कनेक्ट करती है इस रिंग रोड ने जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है तो उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि सेक्टर डी को एक्सेस मिल सकती है राइट right नाउ सेक्टर डी को एक्सेस मिलने का कोई पॉइंट ही नज़र नहीं आता जिस रोड, रोड से एक्सेस मिलनी है उस रोड में आपको सामने नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी खेत हैं यानी उस सोसाइटी के पास ज़मीन नहीं है जब वो ज़मीन होगी तो जाहिर सी बात है उसके बाद फिर ही सोसाइटी उस, उस पर डेवलपमेंट करने की पोजिशन में आएगी राइट नाउ सोसाइटी इज़ नॉट इन दिस पोजीशन के वहाँ पर डेवलपमेंट भी कर सके अब रिंग रोड जो आपको पार्ट नजर आ रही है सेक्टर सी तक पहुँचता है सेक्टर सी की जहाँ पर आप स्ट्रीट नंबर थर्टीन की तरफ एक्सेस लेते हैं उस पॉइंट तक आता है और उससे आगे जाके पीछे जाके सेक्टर बी जो है वो 100 परसेंट डेवलपड है और हंड्रेड परसेंट पोजेशनेबल है उम्मीद करते हैं जिन मेंबर्स के भी यहाँ पे प्लॉट होंगे उनको अपने प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन के लिए सोसाइटी ने ऑलरेडी पोजेशन का लेटर दे दिया होगा इस वक्त मैं चीन पर कैपिटल स्मार्टी का मास्टर प्लान देख सकता हूँ मास्टर प्लान में मुझे स्पेसिफिक सेक्टर के हवाले से आज की वीडियो ये वाला सेक्टर है और इस सेक्टर के जैसे मैं वीडियो में आप देख चुके हैं फुटेज में कि इसमें कोई एक स्ट्रीट भी ऐसी नहीं है जो डिवेलप है पोजिशनेबल है वैसे इन जनरल साइजेस की बात करें तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे जिक्र कर दिया है कि यहाँ पे दो तरह के प्लॉट्स हैं एक यहाँ पे दस मरला के प्लाट्स हैं और दूसरे यहाँ पे बारह मरला के प्लाट्स हैं अब दस मरला के प्लाट्स के बारे से बात की जाए तो दस मरला का जो साइज़ बनता है यहाँ पे वो बनता है पैंतीस बाय पैंसठ अगर स्क्वेयर यार्ड्स में बात की जाए तो बनता है दो सौ पचास गज़ का प्लाट और अगर बात की जाए मरलों में तो दस मरला का प्लाट बनता है और दूसरा जो साइज़ यहाँ पे बनता है वो बनता है यहाँ पे बारह मरला का प्लाट और बारह मरला, मरला के प्लाट के अगर साइज की बात की जाए तो बारह मरला का प्लाट बनता है चालीस बाय अट्ठासठ का और स्क्वेयर यार्ड्स में बात की जाए तो तीन सौ गज का प्लाट बनता है बारह मरला का अगर हम बात करें इसकी मरलों में तो बारह मरला का प्लाट सी बात है तीन सौ गज का मतलब है कि बारह का प्लॉट अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है इसकी चार साइड्स की नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ साइड पे इसके देखें तो लीनियर पार्क है इसके बाद हम ईस्ट साइड पे देखें लीनियर पार्क है इसके बाद सेक्टर सी आता है ईस्ट साइड पर अगर हम देखें तो आपको ईस्ट साइड में सिल रिवर की प्रेमिस आती हैं अगर हम देखें इसकी वेस्ट साइड पे तो वेस्ट साइड पे इसके रिंग रोड की प्रीमिसिस आती हैं जिसका वन एटी फिट वाइड टेन लेन का रोड है और अगर हम बात करें साउथ साइड पे नीचे वाली साइड पे तो वहाँ पे सेक्टर जी की प्रीमिसिस आती हैं इन जनरल सेक्टर डी की चार साइड पे ये चार लोकेशनज आती हैं अब अगर हम बात करें प्रिसाइसली कि इसमें जी कितना एरिया डेवलप्ड और कितना एरिया इसमें नॉन डिवेलप्ड है तो मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ अभी इसमें शुरू का जो पार्ट है कुछ यानी कि जो कुछ बल्कि सारा ही पार्ट कह लें लेकिन थोड़ा सा जी ब्लॉक ये जो बारह मरल की पट्टियाँ जहाँ पर आठ मरला कमर्शियल के प्लाट्स हैं ये भी गूगल पे मुझे अपडेट नहीं है लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो रहा होगा मैं और मजीद लाइट करता हूँ ये जो ये वाला पार्ट बनता है ना सर्टन ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की ब्राउनिंग हुई हुई है यानी कि इसकी ब्राउनिंग से मुराद है कि ये लैंड क्लियरली सोसाइटी के पास मौजूद है इससे आगे जितनी ज़मीन है ना अब मैं पहले स्ट्रीट वाइज अगर एक्सप्लन करना शुरू करूँ स्ट्रीट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बल्कि जो मर्जी स्ट्रीट का नाम ले लें किसी भी स्ट्रीट पे सोसाइटी के पास इस वक्त जो है वो लैंड पूरी तरह से मुकम्मल मौजूद नहीं है लेकिन अभी सोसाइटी के पास राइट ना हो जो अभी चेंजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि शुरू में ये बारह मरला जो प्लाट हैं शायद इनका हो सकता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही पोजैशन ऑफर कर दिया जाए ये आपको इमेज आई थिंक एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है कि शुरू में आठ मल्ला की पट्टी जो है वहाँ पे कुछ प्लॉट्स हैं और बाकी यहाँ पे कुछ बारह मल्ला के प्लॉट्स हैं जहाँ पे लैंड ब्राउंड है बाकी एरिया आपने देख लिया कि नीचे प्रॉपर ग्रास फील्ड्स हैं मैं गूगल के इमेज अपडेटेड भी देख लें और सिंपल भी देख लें तो दोनों जगह पर आपको जो चेंजेस नज़र आते हैं वो आपके सामने हैं हाँ जो रिसेंट डेज में चेंजेस हुए हैं वो ये कि ये सडन पार्ट पहले सोसाइटी के पास मौजूद नहीं था अब इस पार्ट को प्रक्योर कर लिया गया तो ये थोड़ा सा पार्ट प्रिक्योर हुआ है बाकी मेम्बर्स दिल बड़ा करेंगे सोसाइटी उनको आने वाले दिनों में किसी और जगह ट्रांसफ़र करने वाली है दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग वाले से कुछ मालूमात चाहिए हों तो दिए गए नंबर राबता करें इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान जी मेरे को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा